नमस्कार दोस्तों, HRI न्यूज पर आपका स्वागत है। ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबर इस समय निकल के आ रही है। छत्तीसगढ़ के पूर्व CM डॉक्टर रमन सिंह हुए गिरफ्तार, बड़ा एक्शन बघेल सरकार का। जी हां दोस्तों, खबर में जानते हैं विस्तार से। छत्तीसगढ़ के रायपुर में पूर्व BJP मंत्री राजेश मूनत की गिरफ्तारी के बाद BJP कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। वहीं विधानसभा थाने के बाहर BJP कार्यकर्ताओं की भीड़ जमा हो गई। पूर्व CM डॉक्टर रमन सिंह, पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल, नेता प्रतिपक्ष भी विधानसभा थाने पहुंचे। BJP के तमाम नेताओं व कार्यकर्ताओं के साथ यहां पर पूर्व CM डॉक्टर रमन सिंह ने विधानसभा थाने का घेराव करने का फैसला लिया और घेर लिया विधानसभा थाने को। वहीं मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया। पुलिस और भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच पहले तो हल्की नोकझोंक होती रही, बाद में यह नोकझोंक झड़प में बदल गई, जहां पर पुलिस को जवाबी कार्रवाई करनी पड़ी और लाठीचार्ज कर दिया पुलिस ने। इसी बीच दोस्तों, यहां पर पूर्व CM डॉक्टर रमन सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और यहां पर BJP कार्यकर्ताओं की जमकर रायपुर में कुटाई की गई, जिसके बाद वहां पर अफरा तफरी का माहौल हो गया और BJP के कार्यकर्ता तितर बितर हो गए, जिसके बाद वहां पर स्थिति को कुछ हद तक नियंत्रण में लाया जा सका। इसी बीच यहां पर पूर्व CM डॉक्टर रमन सिंह को विधानसभा थाने में पुलिस ने बैठा कर रखा। देख सकते हैं, पूर्व मंत्री मूनत की गिरफ्तारी के बाद यहाँ पर ये लोग जमकर हंगामा कर रहे थे, जिसके बाद पुलिस को ये बड़ा एक्शन लेना पड़ा। दोस्तों आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को काले झंडे दिखाने पहुंचे कांग्रेसियों पर कार्रवाई नहीं होने से पूर्व मंत्री राजेश मूणत यहां पर पुलिस पर ही भड़क गए थे, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। और वहीं छत्तीसगढ़ में ज्योतिरादित्य सिंधिया को काले झंडे दिखाए गए, जिसके बाद ये बवाल बढ़ा। ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबर दोस्तों सामने निकल के आ रही थी, आप तक पहुंचाई है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों के साथ। आप सभी का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।